न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आप। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, हर तरफ चुनावी चर्चा चल रही है, सब लोग चुनाव में काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। और इस बीच आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे सतर्क सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि आतंकियों के इन नापाक मंसूबों को नाकामयाब बनाया जाए। इसी को लेकर एक बड़ी खबर लेकर इस समय आपके सामने हाजिर हुई हूं। पुलवामा इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आपको बता दूं कि पुलवामा में पुलिस ने एक आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया है और इस आतंकी मददगार के पास से एक ग्रेनेड और अन्य जो आपत्तिजनक सामग्री है वो बरामद की गई है। पूरी खबर क्या है वो आपको बताती हूं। दरअसल पुलवामा के करीमाबाद चेक पॉइंट के पास एक नाका लगाया गया था और रूटीन वहां पर चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान पुलिस को सुरक्षा बलों की जो संयुक्त टीम वहां पर मौजूद थी उनको इस व्यक्ति पर शक हुआ। जब इसे रोकने की कोशिश की गई तो ये वहां से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सतर्क सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ने इसे दबोच लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको बता दूं कि इस आतंकी मददगार की पहचान अरसलान अहमद शेख के रूप में हुई है और इसके पिता का नाम मुश्ताक अहमद शेख जा रहा है और ये करीमाबाद पुलवामा का ही रहने वाला है और फिलहाल इसे हिरासत में लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। पकड़ा गया है और इस जो आतंकी मददगार है इसकी तस्वीर भी पुलिस ने की है। तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये आतंकी मददगार है जिसे पुलिस ने धर दबोचा है और इसके पास आप ये हैंड ग्रेनेड इस समय देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ये हैंड ग्रेनेड है और इसे डायरेक्शंस दी गई थी कि पुलिस स्टेशन पर इस हैंड ग्रेनेड को फेंकिए और जो इस समय शांतिपूर्ण स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी हुई आतंकियों द्वारा की जा रही है और पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जाए, यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें खलल डाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हैं और कोशिश यही है कि इस तरह की अगर कहीं भी कोई गतिविधि होती है तो उसे रोका जाए और जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है ऐसा ही शांतिपूर्ण माहौल चलता रहे और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि पुलवामा के करीमाबाद इलाके में ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है जिसमें एक आतंकी मददगार जिसका नाम अरसलान अहमद बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है और जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इसको डायरेक्शंस दी गई थी कि ये पुलिस को, सिविलियंस को टारगेट करे और ये जो ग्रेनेड था किसी पुलिस स्टेशन पर इसे फेंकने की डायरेक्शंस दी गई थी। अभी फिलहाल उससे और पूछताछ चल रही है, कई अहम खुलासे होने की आशंका है। आतंकी मददगारों की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम होती है क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है कि आतंकियों का नेक्स्ट प्लान क्या है, किस एरिया को टारगेट करना है और इन मददगारों का काम ही यही होता है कि आतंकियों तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, उन तक रसद पहुँचाएँ और इन्हीं के बलबूते पे आतंकी अपने बड़े बड़े मंसूबों को कामयाब करते हैं। तो बड़ी कामयाबी इस समय इसे माना जा सकता है क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव में शांति बनाए रखना इस समय पुलिस का सबसे बड़ा टारगेट है और इसी को लेकर जगह जगह पर नाके भी लगाए जा रहे हैं, चेकिंग भी की जा रही है और कहीं पर अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो इलाके को खंगाला जाता है, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं और लोगों से पूछताछ की जाती है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।